पाइथन ऑपरेटर, हमने कल लास्ट देखा था पाइथन के अंदर, जो मैं लास्ट टॉपिक का देखा था वो पाइथन लिटरल, जिसमें हमने स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, स्पेशल लिटरल्स, नन कैसे यूज होता है, और लिटरल कलेक्शन क्या था, हमने सब देख लिया था। नाउ टुडे आज हमें पढ़ना है पाइथन ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट आर पाइथन ऑपरेटर्स? अगेन मोस्ट आईएमपी थिंग, आपको पता होना चाहिए पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। द ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एक सिंबल है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। तो सपोज अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं 5 + 5 तो आंसर आ रहा है 10। यहाँ पे ये जो फर्स्ट 5 है और जो सेकंड 5 है ये क्या है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये है हमारे ऑपरेंड्स। ये जो 5 और 5 यहाँ है इन्हें हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, और ये जो बीच में प्लस का सिंबल है इन्हें हम बोलेंगे ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर ऑपरेशन, कौन है द ऑपरेटर्स, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जितने भी ऑपरेटर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ ना कुछ चीजों के सॉल्यूशन का, किसके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेटर आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंपटीशन बाय व्हेन अप्लाई टू अ वेरिएबल। ऑपरेशन ऑपरेटर्स क्या है, वो टोकन्स है, टोकन्स दैट ट्रिगर, वो कुछ चीज है जो ट्रिगर करते हैं। व्हाट इज ट्रिगर, यहां मैं बंदूक की ट्रिगर की बात नहीं कर रहा, यहां मैं एक परफॉर्मेंस ला रहा हूं कि ऑपरेटर क्या करते हैं, वो एक परफॉर्मेंस हमें देते हैं। सम कॉम्पिटिशन व्हेन अप्लाइड टू द वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल पे अप्लाइड हुआ कुछ ना कुछ वैल्यू आना, कुछ कॉम्पिटिशन वर्क होना, कुछ आंसर हमारे पास आना, ये ट्रिगर कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट टू विच द ऑपरेटर आर अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड। वो वेरिएबल्स या वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। नाउ व्हाट इज ऑपरेंड, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया 5 + 5, तो यहाँ पे 5 और जो 5 था ये दो हमारे ऑपरेंड थे, और जो प्लस था वो हमारा ऑपरेटर था। एग्जाम्पल दिया हुआ है C = A + B, हियर वी हैव 2 operators and 3 operands। देखो अगर मैंने लिखा है C = A + B तो यहाँ हमारे पास दो ऑपरेटर है, कौन से दो ऑपरेटर है, इज इक्वल टू और प्लस, ये तो हमारे ऑपरेटर्स है, और 3 operands है, 3 operands कौन से हो गए, C, A and B, ये 3 operators। सो ऑपरेटर रिक्वायर सम ऑपरेंड टू वर्क, याद रखना जो हमारे ऑपरेटर है उन्हें रिक्वायरमेंट है किस चीज की, ऑपरेंड की। अब वो ऑपरेंड वेरिएबल हो सकते हैं, वो ऑपरेंड कोई एक कैरेक्टर होता है, वो ऑपरेंड कुछ भी होता है, चाहे फिर वो वेरिएबल्स हो, वो ऑब्जेक्ट हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट बिना वेरिएबल्स और बिना ऑब्जेक्ट के हमारा ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, विदाउट व्हाट, ऑपरेंड। नाउ पाइथन ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर डिस्क्राइब एज फॉलो। अब हमारे पास इतने सारे पाइथन के ऑपरेटर अवेलेबल है, सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड जो ऑपरेटर है वो है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर, थर्ड जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ है बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स है मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड सेवेंथ है आइडेंटिटी ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल चलो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम, यहाँ पे मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, अनटाइटल्ड ओपन हो जाएगा। अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और ये प्रोग्राम यूजर डिफाइन होगा, ध्यान से देखना ये प्रोग्राम यूजर डिफाइन होगा। यहाँ मैं पहले एक दो वेरिएबल लूंगा, तो मेरा पहला वेरिएबल है नंबर 1, दूसरा वेरिएबल है मेरा नंबर 2। अब मैंने वैल्यू दूंगा नंबर 1 इज इक्वल टू, मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है एंड इंटीजर वैल्यू। जैसे ही मैंने माइंड में सोचा इंटीजर वैल्यू, मैं टाइप करूंगा इंट, देन मुझे यूजर से वैल्यू लेनी, मतलब यूजर को बोलना है कि कुछ इंसर्ट करो। तो हम जब कुछ एंटर करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट, तो यहाँ हम लिखेंगे इनपुट। सो इंटीजर इनपुट डबल कोट्स एंटर द फर्स्ट नंबर 2 इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट्स इनपुट ब्रैकेट्स अगेन डबल कोट्स एंटर द SECOND सेकेंड नंबर। ओके सो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आ गया। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, तो मैं लिखूंगा ADD add इज इक्वल टू नंबर 1 + नंबर 2, देन मैं लिखूंगा सब इज इक्वल टू नंबर 1 + नंबर 2, देन मैं यहाँ लिखूंगा नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, सो MUL इज इक्वल टू नंबर 1 × नंबर 2। अब याद रखना जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, आप प्रोग्रामर हो, तो मैंने एडिशन की जगह पे एड लिखा है, सब्ट्रैक्शन की जगह पे सब लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह पे मल लिखा है, डिवीजन की जगह पे मैं div लिख रहा हूँ। एज अ प्रोग्रामर मैं हूं, सो मैं मेरे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूं। आप जब प्रोग्राम टाइप करोगे आप अपने खुद के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। div में आएगा नंबर 1, divide नंबर 2। मैं यहाँ पर कौन सा डिवीजन यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन यूज कर रहा हूँ, फ्लोर नॉर्मल डिवीजन नहीं यूज करूंगा, फ्लोर डिवीजन यूज करूंगा। देन आएगा रिमाइंडर, तो REM फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू
नंबर वन मॉड नंबर टू, इससे मुझे नंबर्स के बीच का रिमाइंडर मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, एक्सपोनेंट चाहिए. सो ई एक्स टी फॉर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर वन स्टार स्टार नंबर टू. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जितने ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते थे वो सारे ऑपरेशन हमने यहाँ लिख दिए, उन्हें एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उनकी वैल्यूज लेकर वहां पे हमने सेव कर दी. अब हमें करना है प्रिंट. सो प्रिंट ब्रैकेट्स डबल कोट्स में द एडिशन ऑफ टू नंबर इज, ओके द एडिशन ऑफ टू नंबर इज कॉमा, यहाँ पे डबल कोट्स के बाहर कॉमा करके लिखेंगे हम एड. सो जो एड में वैल्यू है, एड कहां पर है, ये रहा एड, यहाँ पे हमारे पास ऐड है नंबर वन प्लस नंबर टू. जो यूजर इंसर्ट करेगा वो दोनों नंबर वन नंबर स्टोर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उनका एडिशन होकर कहां स्टोर होगा, ऐड में स्टोर होगा. इस तरह से मैं यहाँ कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे बदलते जाओ चीजों को. द एडिशन क्या, द सब्सट्रैक्शन. सो यहाँ आएगा एस यू बी एस यू बी एस टी आर ए सी टी आई एन सब्सट्रैक्शन. देन आएगा मल्टीप्लीकेशन एम यू एल टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन जो लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लीकेशन लिख दो, तुम्हारे ऊपर है. देन डिवीजन डी आई वी आई एस आई ओ एन. देन आएगा रिमाइंडर, सॉरी हाँ रिमाइंडर ही है ना. सो मैं लिख रहा हूँ मॉडुलस मॉडुलस. एक और प्रिंट स्टेटमेंट बनाना है हमें यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे दी एक्सपोनेंट. यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर. एंड यहाँ पे हर जगह आगे से हमें चेंज करना है. यहाँ पे आएगा एस यू बी सब, यहाँ पे आएगा एम यू एल मल, जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिए मैं उन्हीं को यहाँ लिख रहा हूँ. फिर आएगा डी आई वी डिव, देन आएगा आर ई एम रिम एंड ई एक्स पी एक्सपोनेंट के लिए. सो हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमारा प्रोग्राम पूरा रेडी है. अब इसे सेव करते कंट्रोल एस प्रेस करोगे, यहाँ पे डाउनलोड सॉरी डॉक्यूमेंट क्लास 12th आई पी, मैं सेव कर रहा हूँ 3.py के नाम से. यहाँ सेव हो गया, इसे रन करते हैं बाय प्रेसिंग F5. एंटर द फर्स्ट नंबर 25, एंटर सेकंड नंबर 5. सो द एडिशन ऑफ टू नंबर, द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर. एक मिनट, यहाँ कुछ इशू हुआ है हमारे प्रोग्राम में. यस, और इशू ये था कि यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया. सेव करके वापस रन करेंगे. एंटर द फर्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर 5. सो द एडिशन ऑफ टू नंबर, द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, द डिवीजन ऑफ टू नंबर, द मॉडुलस ऑफ टू नंबर एंड द एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर्स. हमारे पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई. ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब आएंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर. ये ऑपरेटर कंपेयर करते हैं. सपोज हम जो क्लास में 10 बच्चे हैं, मुझे कंपेयर करना है कौन आईपी में स्मार्ट है, कौन पीई में स्मार्ट है, कौन अकाउंट्स में स्मार्ट है, कौन फिजिक्स में स्मार्ट है, केमी में स्मार्ट है, बायो में स्मार्ट है. सो मैं कंपैरिजन करूंगा. वैसे ही कई बार हमें दो नंबर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में और एक्स वाई जेड चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है. तो उन कंपैरिजन के टाइम पे हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन हम बोलते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न बुलियन ट्रू और फॉल्स. ये ऑपरेंड थोड़े अलग है, ये ऑपरेटर थोड़े अलग है. ये क्या करेंगे, ये दो चीजों को कंपेयर करेंगे और हमें आंसर रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू में. बुलियन वैल्यू का मीनिंग है जीरो और वन, और हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं. सो मैं एक बार से यहां से बंद करके आप स्टार्ट कर रहा हूं. नाउ फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू 10. तो मेरे पास आंसर आया फॉल्स. क्यों फॉल्स आया, बिकॉज क्लियरली बात है 5 इक्वल टू 10 नहीं है. अब अगर मैं ऐसा लिखूं 5 is greater than equal to 10, तब भी आंसर फॉल्स आएगा. क्यों, क्योंकि 5 नहीं ग्रेटर देन है, नहीं इक्वल टू 10 है. बट अगर मैं चलूं 5 is greater than equal to 4, तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो हो ही रहा है, इक्वल टू हो या ना हो. अगर मैं ऐसा लिखूं 10 सॉरी चलो 5 नॉट इक्वल टू 10, तो भी आंसर ट्रू आएगा, बिकॉज 5 नॉट इक्वल टू 10. सो अब तुम्हें समझ आ रहा है कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करेगा. सपोज सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें करेगा, अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 32, चलो चलेगा, कुछ भी चलेगा. नाउ अगर मैं टाइप करता हूं a इज इक्वल टू b, आंसर फॉल्स आएगा. अगर मैं टाइप करूंगा a लेस देन b, आंसर आएगा ट्रू. अगर मैं लिखूंगा a लेस देन इक्वल्स टू b, तब भी आंसर आएगा ट्रू. सो कंपेरिजन ऑपरेटर्स को आप वेरिएबल्स के थ्रू,
नंबर्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू यूज कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे इफ कंडीशन, वहां पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत काम आएगा। अगर मुझे किसी स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है और मैं बोल रहा हूँ द स्टूडेंट हुज मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, उसका ग्रेड है ए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बताने के लिए मुझे यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू। अगर मैं बोलूं दैट एक एक्स करके स्टूडेंट है, उसके मार्क्स एक्स इज इक्वल टू 90, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया एक्स के मार्क्स आए 90, और मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ एक्स इज इक्वल टू 90, तो वो मुझे आंसर देगा ट्रू, वाई, क्योंकि ऊपर 90 लिखा हुआ है। बट मैं लिखूं एक्स लेस देन इज इक्वल टू 90, तो आंसर तब भी ट्रू है, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 90 में भी आ सकते हैं उसके मार्क्स। अगर मैं लिख दूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, चलो ग्रेटर देन 100 डालते खाली, यहाँ आंसर फॉल्स आएगा, बिकॉज उसके मार्क्स 90 थे तो 100 तक नहीं पहुंच सकता। सो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके हमारे प्रोग्राम में चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, चीजों के अंदर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट यूज करते हैं एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट इक्वल टू ए प्लस 1 और ए प्लस 2। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसे बोलते हैं सपोज अगर ऑपरेटर ये हमारे ऑपरेटर की लिस्ट में थर्ड ऑपरेटर इक्वल टू 1 टू 0, यहाँ पे ए के बाद नेक्स्ट वी हैव टू यूज किया इक्वल टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू क्या बोला जाएगा, बिट वाइज ऑपरेटर इक्वल टू हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एंटर करता हूं तो ए के अंदर 120 स्टोर हो चुका है, पहले बिट बनाना पड़ेगा अब मुझे 120 को 121 में कन्वर्ट करना है, मुझे एक इसको सेकंडली आपको कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर तुम ए प्लस वन करूंगा तो मेरे इसका नहीं दिखाई हो जाएगा, मैं तुम्हें एक नॉर्मल को करने का एक और तरीका कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, प्लस लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अब मैं ए को प्रेस करूंगा 121 आ रहा है, याद रखना उससे पहले ए की वैल्यू ली, अगर मैं ए प्लस वन अगेन करूंगा तो आंसर 122 आएगा, बट अगर मैं ऐसा लिखूं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 एंड अगेन अगर मैं यहां पे ए को प्रिंट करूं तो मेरा आंसर 122 ही रहेगा। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का एक वे है जिसके थ्रू आप वैल्यू असाइन करते हो, किधर जो भी आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेंट है आप उसको वैल्यू असाइन करोगे यूजिंग a इज इक्वल टू ए प्लस 1 और a प्लस इक्वल टू 1 इस तरह से। प्लस आपको एक ASCII वैल्यू का टेबल दिख रहा होगा जहां पे कैरेक्टर लिखे हुए हैं और एक जगह पे और दूसरी जगह पे DEC लिखा होगा। 65 जो लिखा है वो किसकी वैल्यू है, a की। अगर मैं a का कैर वैल्यू निकालू तो 65 है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे समझ आता है कि कब हमें क्या करना है, कैसे हमें किसी चीज की ASCII वैल्यू फाइंड करनी है। ये ASCII वैल्यू है, अब मुझे सिर्फ बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर एक नोटेशन बनाता हूँ, सपोज मुझे कैपिटल ए जो है उसकी वैल्यू बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है। बाइनरी वैल्यू मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में मुझे ए को डिफाइन करना है। सो हम कैसे लिखेंगे, सो हम यहाँ पे बनाएंगे एक सारा कॉलम, यहाँ पे मैं लिखता हूं 65। अब जब 0 और 1 मतलब दो नंबर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एंड मैं इसका डिविजन करूंगा, तो 2 3 जा होता है 6 एंड 2 2 जा होता है 4, बट यहाँ पे एक 1 रिमाइंडर बच रहा है, वो 1 यहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा 2 2 1 जा 2, 1 आ गया, 6 जा 12, 0 अगेन आएगा यहाँ पे, 2 2 8 जा 16, अगेन यहाँ जाएगा 0, अगेन यहाँ आएगा 2, तो 2 2 2 4 जा 8, अगेन यहाँ जाएगा 0। जब तक रिमाइंडर में कुछ नहीं है यहाँ 0 ही जाएगा, जैसे कोई रिमाइंडर आता है आप वहां पे 1 जितना भी रिमाइंडर भेजे, और जब आप 2 से बाइनरी बनाओगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 पे ही जाएगा। अगेन 2, अगेन यहाँ पे भी 2 आएगा, अगेन यहाँ आएगा 0, अगेन यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 एंड इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड वापस ये जो लास्ट 1 बचा है उसको हम यहाँ लिख देंगे। सो बेसिकली जो ए है जिसकी ASCII वैल्यू है 65, उसकी बाइनरी वैल्यू है 1 देन 0 0 अगेन 0 थर्ड टाइम, 4 टाइम 0, 5 टाइम 0 एंड 1, ये इसकी ASCII वैल्यू है। अब जरा एक बार चेक करते हैं इसकी ASCII वैल्यू को, यहां पे जाके गूगल कर रहा हूं मैं ASCII वैल्यू ऑफ सॉरी बाइनरी वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। सो अब देखो बाइनरी वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 1
देन जीरो 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 कितनी बार है, दो तीन पांच, दो और तीन पांच एंड देन वन, ये रहा हमारा कैपिटल ए का बाइनरी वैल्यू। इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कंप्यूटर ये बाइनरी वैल्यू पढ़ता है, उसे कैपिटल ए स्मॉल ए के बारे में कुछ नहीं पता, उसे से पता है बाइनरी वैल्यू क्या है और वो बाइनरी वैल्यू रीड करता है। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये जो हमने भी नंबर ढूंढा 100001, ऐसे सारे ऑपरेशन जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं उन पे ये ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं, ये ऑपरेशंस लाते हैं। एंड और नॉट, इनके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रुथ टेबल। आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल क्या होती है उसकी वैल्यू जलती है। तो अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं जिसमें मैंने ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, सो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा ट्रुथ टेबल की स्लाइड देख के। ओके, सबको विजिबल है ट्रुथ टेबल दिख रही है, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू दिख रहा है सबको विजिबल है। हेलो क्लास स्पेस, सबको विजिबल है जहां पे एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू लिखा हुआ है? यस। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन वन है जहां पे हमने लिखा है 0011, मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। एक्सप्रेशन टू है वहां हमने लिखा है फॉल्स ट्रू। अब हमने तीन एक्सप्रेशन ढूंढे, नॉट एंड और, ये कॉमन है बिटवाइज में भी और आगे हम जो पढ़ेंगे वो उसमें भी आएगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है और ये लॉजिकल ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल है, जहां पर जीरो जीरो मतलब फॉल्स और फॉल्स, अगर मैं एंड से काउंट करूंगा तो फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी फॉल्स रहेगा। एंड ऑपरेटर अगर यूज होता है जब तक ट्रू ट्रू ना हो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, वो एज इट ही चलेगा, सब में फॉल्स ही आएगा। और अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो उसमें फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही होता है। इस तरह से हम यहाँ पर ये बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं हमारे वर्किंग को। ये बिटवाइज ऑपरेटर है, इसके एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं कि नंबर्स लिखो और उनको एंड ऑपरेशंस में लाओ, तो 000111, इस तरह से आपको बिटवाइज यूज करना होता है। इसलिए आपको ट्रूथ टेबल आनी कंपलसरी है, फॉल्स में आएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा एंड के अंदर, पर अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब खाली तब जाकर एक्सप्रेशन आपको ट्रू देगा, एल्स आपको हर एक्सप्रेशन में फॉल्स मिलेगा। फिर आता है एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन टू में क्या था, और कंडीशन के अंदर अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वैल्यू ट्रू है, पर दोनों फॉल्स है तो खाली फॉल्स आएगा। ये एक्सप्रेशन टेबल है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रुथ टेबल और भेज दूंगा। अगर आपको इसमें प्रॉपर नहीं भी दिख रहा होगा तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि इसमें जीरो और वन लिखा है, मैं वहां ट्रू और फॉल्स के एंड में आपको भेज दूंगा बनाकर, एक तो आपको इजीली समझ आ जाएगा उससे। क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड प्राइमरली इन द एक्सप्रेशन इक्वेशन टू मेक डिसीजन। चलो अब इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, टू मेक डिसीजन, कैसे हम डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगेन इसे यहां से क्लोज कर रहा हूं एंड यहां पे नया शेल ओपन कर रहा हूं। नाउ मैंने ऐसा लिखा, 5 is greater than 4 एंड एक रिजर्व वर्ड है, याद रखना एंड क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। जैसे मैंने एंड लिखा कलर चेंज का मतलब एक रिजर्व वर्ड है, इसका एक मीनिंग है पाइथन के अंदर। एंड 5 is greater than 10, मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। अभी हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी थी, ट्रुथ टेबल में ये बोला गया कि अगर एक कंडीशन ट्रू है पर सेकेंड कंडीशन फॉल्स है और इन दोनों के बीच में अगर एंड ऑपरेटर है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर मैं ऐसा लिखूं 5 is greater than 4 OR, और अगेन और भी एक रिजर्व कीवर्ड है, इसका कलर चेंज हो गया, 5 is greater than 10, और अब मैं अगर एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्यों ट्रू आएगा, रीजन है क्योंकि मैंने बीच में ऑपरेटर यूज किया है और बोलता है अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तब भी आंसर हमेशा ट्रू आएगा। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 is greater than 4 नॉट 5 is greater than 10, यहां मेरे पास आएगी सिंटैक्स एरर। इसको प्रॉपर बनाते हैं, 5 greater than 4 नॉट, देख लो नॉट भी कीवर्ड है, 5 is greater than 10। अब ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स हो गया। याद रखना यहाँ पे नॉट वाले पे कई बार सिंटैक्स एरर आ जाती है, इसलिए जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे हम हमेशा एंड यूज करेंगे, एंड हम लास्ट का यूज करेंगे और यूज करेंगे, नॉट वाला ऑपरेटर कई बार नहीं चलता है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ये वाला पार्ट, लॉजिकल ऑपरेटर समझ आया, एंड और क्या होता है, और वो ट्रुथ टेबल का वैल्यू समझ आया। बढ़िया।
अब हम पढ़ने वाले पाइथन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था इसके बारे में। कमेंट्स आर जनरली यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। पाइथन हैज टू टाइप्स ऑफ कमेंट। पाइथन में दो तरह के कमेंट है। पहला कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट, याद रखना हमारा जो फर्स्ट कमेंट होता है वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। सेकेंड कमेंट होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में दो तरह के कमेंट है और मल्टी लाइन कमेंट्स को हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग्स। क्या बोलते हैं? डॉक स्ट्रिंग्स बोलते हैं। मल्टी लाइन कमेंट इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग एंड सिंगल लाइन कमेंट तो पाइथन में नॉर्मल हैश से होता ही है। मतलब सपोज अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं टाइप करूंगा हैश, मैं लिखूंगा वेलकम टू पाइथन और मैं करूंगा एंटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हैश कैरेक्टर में लिखा है। या मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, मैंने तीन डॉट बनाए। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा वो ग्रीन कलर में आ रहा है। अंटिल मैं वो तीन डॉट को एंड नहीं करूंगा तब तक सब कुछ ग्रीन कलर में रहेगा। क्यों? ये है पाइथन के मल्टी डॉट कमेंट। इन्हें हम पाइथन में क्या बोलेंगे? मल्टी डॉट कमेंट बोलेंगे। राइट नाउ इसने इसे कैसे चूज किया? उसने से उसे लगा कि ये हमने स्ट्रिंग लिखी, उसने स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं इसी को प्रोग्राम में बताऊं, ये मेरा प्रोग्राम आई थिंक एक ओपन है यहाँ पे, यस, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं एंटर करके यहाँ पे 1 2 3 तीन बार यहाँ पे एड करता हूँ और तीन बार यहाँ पे एड करता हूँ और मैं यहाँ लिखूंगा PRINT प्रिंट डबल कोट्स में हेलो, सेव करूंगा, वापस रन करूंगा, मेरे पास आउटपुट में सिर्फ हेलो आया। बाकी ना ही उसने मुझसे फर्स्ट नंबर पूछा, ना ही सेकंड नंबर पूछा, ना ही उसने एडिशन किया, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा ये सब मल्टी लाइन कमेंट है। अगेन कमेंट पाइथन में दो तरह के हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट, एक है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग्स। अगर तुम शेल पे से यूज करोगे तो उसे लगेगा कि तुमने ये मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग बनाया और उसे प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं प्रोग्राम में इस तरह से लिखूंगा तो उसे लगेगा ये मल्टी लाइन कमेंट है और वो इन चीजों को प्रिंट नहीं करेगा।